सर्दियों में दोस्तों गाजर का हलवा आना आम बात है, और गाजर का हलवा किसे नहीं पसंद है। और गाजर का हलवा बिना मेहनत के मिल जाए तो वह बात ही कुछ और हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसको हम बिना घंटों गाजर को घिसे हुए बनाएंगे झटपट और कम मेहनत में। अब इससे इजी और इससे आसान गाजर के हलवे की रेसिपी तो हो ही नहीं सकती, तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 500 ग्राम जो है वो गाजर। तो गाजर को हमने जो है वो पानी से वॉश कर लिया था। अब जो है गाजर के किनारे का जो पार्ट होता है उसे हम काट करके निकाल देते हैं। तो ये जो गाजर का मोटा वाला पार्ट है, ऊपर और नीचे का पतला वाला, हम दोनों साइड से जो है वो काट करके निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है सारे गाजर के ऊपर और नीचे का पार्ट जो है वो काट के निकाल लिया है। अब हम गाजर को जो है वो काट लेते हैं। तो एक प्लेट में चाकू की सहायता से हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। तो जो पतले वाले पार्ट होते हैं उसे हम ऐसे राउंड शेप में ही कट कर लेंगे। बाकी जो ऊपर का पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो इसे हम बीच से जो है वो काटेंगे ताकि ये जल्दी पके। तो इसी तरीके से हम बाकी के गाजर को भी काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो सारे गाजर को काट लिया है। तो देखिए दोस्तों, कितने कम मेहनत में और समय में हमारा गाजर जो है वो काट के तैयार हो गया है। अगर हम इसे घिसने बैठते तो हमारे आधे घंटे या घंटे तो लग ही जाते। तो अब हमने गैस पे जो है वो एक पैन रख दिया है। पैन में हमने 1 चम्मच जो है वो देसी घी डाला हुआ है। तो अब यहाँ पे देसी घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम कटे हुए गाजर को जो है वो घी में डाल देते हैं, और इसे 1 से 2 मिनट तक जो है वो हाई फ्लेम पे भूनेंगे। इससे हमारे गाजर के हलवे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये जो तरीका है वो बड़े बड़े होटले और हलवाई भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से वो जो है वो गाजर का हलवा बनाते हैं। तो यहाँ 1 से 2 मिनट जो है वो हो चुके हैं, और गाजर भी जो है वो घी में अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे दूध। तो यहाँ पे हमने जो है वो 250 ml दूध लिया हुआ है। तो हम जो है वो दूध को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप मावे से जो है वो हलवा बनाएंगे तो आप थोड़े कम दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बिना मावे का बना रहे हैं तो 250 ml जो है वो दूध डाल लें। तो दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं, और मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे अब हम एक ढक्कन की सहायता से पैन को ढक लेते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और बीच बीच में हम जो है वो ढक्कन को हटा करके चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दूध जो है वो बॉयल होने लगा है। अब हम ढक्कन को जो है वो हटा देते हैं, और इसे जो है वो चला लेते हैं ताकि जो गाजर है वो जल्दी पके। तो इसे वापस से हम ढक देंगे। तो अगर दूध जो है वो ज़्यादा बॉयल करे तो हम गैस का फ्लेम जो है वो एकदम लो कर देंगे, नहीं तो हमारा जो दूध है वो बाहर निकल आएगा। तो हम वापस से इसे ढक देते हैं और इसे जो है वो पकाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूध है वो एकदम सूख गया है, और बिना मावे के ही ये कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इसमें मावा डाला हुआ है, और गाजर भी हमारा पक चुका है। तो ये प्रोसेस जो है वो 5 से 7 मिनट में ही हमारी पूरी हो जाएगी। तो अब हम एक कलछी या फिर मैसर की सहायता से जो गाजर है उसको मैश करेंगे। ये इजली बहुत सॉफ्ट होते हैं और आसानी से जो है वो मैश हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो पौने की सहायता से ही इसे मैश कर लेते हैं। तो ध्यान देना है दोस्तों, हमें इसे एकदम बारीक मैश नहीं करना है। हमको इसे इस तरीके से मैश करना है कि इसमें थोड़े थोड़े छोटे टुकड़े भी रहे, ताकि ये खाने में बिल्कुल हलवाई की तरह टेस्ट इसका लगे। तो अब हमारा जो है वो गाजर एकदम मैश हो चुका है। मैं यहाँ पे थोड़े से इसमें डाल देती हूँ मावा। तो आप चाहे तो बिना मावे के ही इसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दूध ऑलरेडी डाला हुआ है।
मैं इसे थोड़े से और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मावा का यूज़ किया है। मावा हमारा लगभग 50 ग्राम है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे चीनी, तो आधी कप जो है वो हमने चीनी का यूज़ किया है। तो आप जितना मीठा चाहें अपनी आवश्यकता अनुसार जो है चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए वापस से इसे भुनेंगे, ताकि हमारी जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो एक्स्ट्रा दूध और चीनी का जो है पानी वो भी सूख जाए और हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब हमारा हलवा जो है दोस्तों बनके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी और बिना मेहनत के ही तैयार हुआ है। तो अब फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और अगर बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स तो आप इसे स्किप भी कर लें। तो मैं यहाँ पे बिना ड्राई फ्रूट्स के ही हलवे को जो है वो बना रही हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना झटपट और कम मेहनत वाली हमारे एकदम हलवाई जैसा जो है वो गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। अब इससे जल्दी और इतने कम समय में गाजर का हलवा तो कहीं भी नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से आप गाजर के हलवे को ज़रूर बनाइए बिना मेहनत के कम समय में, और सुपर टेस्टी गाजर का हलवा बनके तैयार है। तो इसे हम गर्मा गर्म जो है वो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और प्लेट में निकालने के बाद हम थोड़े से ऊपर से भी इसमें जो है वो मावे डाल लेते हैं, थोड़ा सजा वजा देते हैं ताकि देखने में भी ये अच्छे लगे। और ऊपर से हम जो है वो थोड़े से इसमें लगा देते हैं गरी, जिसको कि हमने बारीक जो है वो लंबा काट लिया था। मेरे पास इस टाइम कोई और ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने गरी को ही लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके लगा दिया हुआ है। तो लीजिए दोस्तों हमारा गाजर का हलवा तैयार है मिनटों में, एकदम हलवाई जैसा, बहुत ही टेस्टी। और हमारे ठंड के सीज़न की सबसे खास रेसिपी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना घिसे आप भी इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।